जय गुरुदेव। गुरु जी के बारे में क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जा रहा है। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। आज से मेरे को 2009 फरवरी 10 फरवरी का वो दिन याद है। उसके पहले 3-4 वर्षों से भुवनेश्वर भैया मेरे को लगातार फॉलोअप करते रहे, प्रेरित करते रहे कि एक बार हमारा बेसिक कोर्स कीजिए। और मज़ेदार बात यह है कि हम लोग जब भी भुवनेश्वर भैया को देखते तो जय गुरुदेव वाले आगे करके चिढ़ाते थे और इनसे निवेदन करते थे कि प्लीज़ आप वो श्री श्री रविशंकर जी है ना, उन्हीं के बात को छोड़ के कोई दूसरा बात कीजिए। वो वाली अगर बात करनी हो, जय गुरुदेव वाली बात करनी हो, तो यहाँ से चले जाइए। ये हमने न जाने कितनी बार कहा इनको, और हर बार मेरे को मैसेज भेजते रहे कि बेसिक कोर्स इस तारीख से स्टार्ट है, बलौदा में स्टार्ट है, चांपा स्टार्ट है, लगातार भेजते रहे, सत्संग का भेजते रहे। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। 10 फरवरी को इन्होंने, मेरे को ध्यान भी नहीं था उस बार, मैसेज भी नहीं किया कि बेसिक कोर्स शारदा मंगलम में शुरू है। इन्होंने सीधे सीधे सवेरे 4 बजे फ़ोन किया। तो जनरली हम 4 बजे देखते हैं फ़ोन, तो मेरे को लगा कि यार कुछ दिक्कत तो है। उठाया, बोल जय गुरुदेव, बोला जय गुरुदेव। बोले चलिए उठिए और तैयार होकर आ जाइए, आज से बेसिक कोर्स स्टार्ट है। बोले बड़ा मुश्किल है। बोले नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आइए तो सही। बोला ठीक है, आता हूँ। और मैं फिर से सो गया। 4:30 बजे आधे घंटे बाद फिर इनका फ़ोन आया। तो बोले आ रहे हो ना, हो गए ना, तैयार हो गए? तो मैं बोल दिया हाँ। अब फिर सोचा यार हाँ बोल दिया हूँ तो चलो एक बार, जाने में क्या है। मैं बोला चलता हूँ, और अनमने ढंग से तैयार हुआ और आ गया यहाँ। आने के बाद हमारा जो कार्यक्रम है प्रथम दिवस का शुरू हुआ, तो मुझे लगने लगा कि अरे यार, शुरू में लगा कि कहाँ ला के बैठा दिया है, ये जूता चप्पल के साथ अहम को भी बाहर छुड़वा रहे हैं और हम लोग इतने अहमी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले दिन ही जैसे ही कोर्स ख़त्म हुआ, मैंने इनको बोला भुवनेश्वर भैया अब बहुत गंदे हो, बहुत बदमाश व्यक्ति हो। मुझे क्या हुआ भाई, अच्छा नहीं लगा? मैं बोला नहीं यार, जिस चीज़ को मेरे को 3-4 साल पहले पा लेना था वो आप मुझे देने में देरी कर दी। शायद 3 साल पहले आप मेरे को अच्छे से बताया रहते, ये चीज़ समझाया रहते, तो मैं उसी समय आ गया रहता। लेकिन मैं अपने आप को बहुत उस समय दुर्भाग्य माना कि मैंने 3-4 साल की देरी कर दी गुरु जी के शरण में आने में। और उसके बाद मैंने जब क्लासेस नेक्स्ट डे 3rd डे आई और इन्होंने मेरे को एक ही चीज़ कहा, सभी मेरे गुरु भाइयों ने, कि आप जो भी करें 100% करें, आपका जो क्रिया होने वाला है 100% लगा देना है, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, अपना 100% करना है। और 100% हमने किया, तो वह अद्भुत अलौकिक चीज़ मैंने पाया अपने जीवन में सुदर्शन क्रिया के रूप में। शायद वो मुझे आत्मशक्ति दे गई कि जहाँ मैं डीप डिप्रेशन में जा रहा था वहाँ से उभर के सामने आया। और मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं ये पोस्ट पा सकता हूँ, ये पद पा सकता हूँ, ये मेरे लिए है। और एक नई जान आई मुझमें और मैं भिड़ गया। निश्चित रूप से मैं, मेरे ऊपर जब मैंने कोर्स ज्वाइन नहीं किए थे तो बहुत सारी विपत्तियाँ, शायद मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी विपत्ति जो आती है संसार की वो मेरे ही ऊपर आई। और जब मुझे लगा कि मेरे घर परिवार में सब ऐसे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मैंने गुरु जी की शरण ली और आज मैं बहुत खुशहाल हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। और DSP के पद को मैंने प्राप्त किया है गुरु जी के।